मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन खुलते ही शहर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर डीआईजी के द्वारा पश्चिम क्षेत्र के थानों का निरीक्षण भी किया गया। जिले के अनलॉक होने के बाद से शहर में वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। यहां कत्लेआम होना आम बात हो गई है। हत्याओं का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं लेता दिख रहा। हर दूसरे या तीसरे दिन हत्या जैसी वारदात सामने आ ही जाती है। इन सभी वारदातों को देखते हुए शहर के डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने पश्चिम क्षेत्र के थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी थानेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बेहतर कार्य करने के आदेश दिए। किसी भी तरह के अनियमित आचरण और भ्रष्टाचार को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इस संबंध में शिकायत आई थी। शिकायत प्रथम दृष्टया प्रारंभिक तौर पर सही पाएगी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है, जिसमें दो आरक्षकों को निलंबित किया गया है और एक थाना प्रभारी को पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि जो अनलॉक डाउन जो वन हुआ है, अनलॉक मुख्य तौर से लॉकडाउन खुलने के बाद से कई तरह की आकस्मिक तौर पे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। लगभग देश में हर जगह इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। यहाँ पे पुलिस ने शुरू से ही इसकी तैयारियाँ भी की थी कि अगर किसी तरह की अप्रत्याशित स्थिति आती है, किसी तरह के अपराधों में बढ़ोतरी होती है, तो पुलिस उसकी सख्ती से और बड़ी मजबूती से उसका सामना कर सके। उसी मामले को बिंदु को लेकर के लगातार थानों में लोगों को सजग किया जा रहा है। अपने जो हमारी टीम है उसको ज़्यादा इसके लिए सचेत किया जा रहा है कि मुख्य तौर पर जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं उसको लेकर के वो सजग रहें। बारिश के समय में यूँ भी देखें तो पूरे साल में बारिश के समय नकबजनियों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस समय नकबजनी के साथ साथ अगर किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स या चैन स्नैचिंग इस तरह की घटनाएँ ना बढ़ें, इसलिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और उसी कड़ी में हम लोग थानों में अपने जवानों से और जो साथ के अलग अलग हमारे अन्य अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको इसके लिए जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, एक नई लिस्ट तैयार की है उसमें पुलिस इस तरह के, जैसा कि हमने बताया कि अपराधियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में 15-20 दिनों में 75 से ज़्यादा आर्म्स पकड़े गए थे, जिसमें कि काफ़ी उन्नत किस्म के थे। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई है। अगर हम पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो लगभग 8 से 10 बड़े 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक अलग अलग उसमें अपराधियों जिनके ऊपर इनाम घोषित था उनको पकड़ा गया है। तो पुलिस ने इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और इस कड़ी में ही आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध जिला बद और NAC की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनका हाल के दिनों में ही सक्रिय आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उस बिंदु पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि मुक्त जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ चैन स्नैचिंग लूट जैसी वारदातें की हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है ताकि उनके फिर जो संपत्तियां हैं उनका भी आकलन कराया जाएगा कि कहीं वो अतिक्रमण में तो नहीं है, और उसका अन्य टीमों के साथ उसका सर्वे करके आगे कार्रवाई की जाएगी।